बाहर से नाश्ता करें, मैंने कहा जी नहीं, घर पे मैं आटा गूंथ के आई हुई, घर जाके नाश्ता बना के आऊँ। यहाँ देखें जी, कितना खूबसूरत सी सुबह हो रही है और परिंदे अपना चहचहाना शुरू कर दिया है, इबादत कर रहे हैं अपनी। ओले भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी कर ली लड़की, तैयार हुई है तू? रात है अभी, सुबह है। सुबह हाय यूट्यूब फैमिली, सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं, शुक्र खुदा उनका। वेलकम बैक सारा शरोज व्लॉग। सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले तो कर दें सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो प्यार से कर दें कमेंट्स, दो लोगों में शेयर करें और बेल का बटन जरूर प्रेस करना ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास फौरन से पहुंच जाए। और जी ये तो बताएं, इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है, सुबह के 5:30 हुए हैं और हम तैयार, और छुट्टी का दिन है और सब सो रहे हैं और आप सुबह सुबह माँ बेटी तैयार हो के कहाँ की तैयारी खेच लिया? पिंडी आ रहे हैं, इतनी युवा युवा पिंडी आ रहे हैं। पिंडी नहीं जी, जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता कि चैनल हमारा नया बना है, तो पहले वाले चैनल हमने सारा शेयर कर चुके हैं के हमारा एटीएम और एनआईसी, इनका एटीएम और मेरा एटीएम और इनका ओरिजिनल एनआईसी और पैसे सैलरी थी हमारी वो गुम हो गई है, तो ये जा ही नहीं रहे थे, अभी जा रहे हैं एनआईसी बनवाने के लिए। एटीएम इनका भी बन चुका है, मेरा भी बन चुका है काफी टाइम से, तो अभी जा रहे हैं तो शेयर करते हैं आपसे। ये देखें जी, बाहर कैसा अंधेरा हो रहा है, शायद ये ना समझे कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। और हल्की की सर्दी भी हो रही है, सर्दी हो रही है इसीलिए चादर वगैरह पे, और सारा को मैंने ऊपर भी पहना दिया और शूज पहन रही है सारा। हाँ तो खुद ही पहनते, और सारे ने तो भाई अपने ग्लव्स तक निकाल दिए, तो ज्यादा ही बर्फबारी। चलो निकलो, क्या हुआ है? धोखा हो गया हमारे साथ, सुबह सुबह नींद भी हराम की है और हमारे साथ सीन भी हो गया है। नादरा ही बंद है आज, नादरा जी आज बंद है, वो कह रहे हैं जी आज छुट्टी है। नादरा वैसे बंद नहीं होता, नादरा की छुट्टी नहीं, हमारी छुट्टी हो गई, सुबह सुबह सारी रात का जागा हुआ, नींद भी खराब हो गई। हाँ मुझे भी चक्कर आ रहे, सर में दर्द, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी काम बहुत जरूरी है तो चले जी, नादरा वालों ने कर ली है छुट्टी। ये देखे इनकी क्या छुट्टी, छुट्टी तो हमारी हो गई, जिनकी नींद भी पूरी नहीं हुई और दिल करे तबीयत भी खराब हो जाए। नहीं नहीं खुदा खैर करे। ये देखे सारा कहती मामा इतनी जल्दी सुबह हो गई, मैंने कहा बेटा हाँ सर्दियों में यही सुबह होती है, और इनको लग रही है जी भूख, मैं आटा भी गूंद के आई हूं, बहुत ज्यादा मुझे लग रही है। घर जाके नाश्ता करके सोएंगे, क्योंकि अभी सोए ना हम लोग, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, काफी लेट उठेंगे, उठेंगे बहुत ज्यादा लेट हमें हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं खाना खा नाश्ता करके फिर ही सोएंगे। चले जी हम जा रहे हैं घर, घर जा रहे हैं और सारा को लगी हुई भूख, नाश्ते बनाएंगे घर जाके। सारा पापा सोचते हैं, पूछ रही है कि पापा बाहर से नाश्ता करें, मैंने कहा जी नहीं, घर पे मैं आटा गूंथ के आई हुई, घर जाके नाश्ता बना के जी। पहले ले लिए दही, और ये देखे सारा आई है सुबह सुबह बेकरी पे। और सारा क्या ले रहे हो? ये लेना, कभी कह रही ये लेना ना, केक ले लो, कोई अच्छा सा केक ले लो। ये क्या है, ये भाई क्या है, ये नहीं ये सही क्रीम पफ जी जी, ये वाली दे दो, बर्फी दे दे कोई हमें अच्छी सी, ये पिंक वाली। ये सारा का सुबह सुबह दिल कर रहा है मीठा खाने का, तौबा कर सारा से। पाव कैसी है? यहाँ लेज नहीं पड़ी हुई, योगर्ट वाली लेज तो लेज वो पड़ी हुई है। रोज सब दूध ले रहे हैं, कह रहे घर जाके चाय पीने का दिल कर रहा है। दही भी ले लिए, दूध भी ले लिए, नहीं दही अभी, दही खाएंगे जब सो के उठेंगे तब चाय। ये जी
साढ़े पाँच बज रहे और ये एक बेकरी खुली हुई, तो यहाँ छः बज गए अभी, छः बज गए अभी, ये देखो छः बज रहे अभी। जी हम पहुंच गए हैं घर और सुबह सुबह सोनिया बना रही है नाश्ता मेरे और सारा के लिए। जल्दी जल्दी बनाओ भाई, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा टाइम। इन लोगों से तो वेट ही नहीं हो रहा था। सारा कह रही मामा बाहर से ले लो पराठे। मैंने कहा शाबाश है तुम्हारे। मैंने कहा जो घर में आटा गूंदा हुआ वो कहाँ जाएगा। क्या बोल रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ। क्या बोल रहे हो? मम्मा आप बात को छोड़ कह रहे हो। तो आप क्या कहा, क्या आपने कहा था? मैंने कहा था पापा हमने बाइक से खाना के घर से। नहीं जी, घर से बस। क्या मुंह टेढ़े कर रहे हो? काँ काँ का टाइम हो गया ना, काँ काँ अब आएगी ना। जल्दी जल्दी बनाओ भाई, भूख बर्दाश्त से बाहर होते जा रही है। क्या तुम्हारी भूख, क्या तुम्हारी भूख लग रही है? कितनी थोड़ी के ज्यादा होती है ज्यादा। ओले भाई, यहाँ तो पेट में दर्द शुरू हो गई भूख की वजह से। भाई अब जल्दी जल्दी बना के ना अंदर ले आओ, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी यहाँ देखें जी, कितना खूबसूरत सी सुबह हो रही है और परिंदे अपना चहचहाना शुरू कर दिया है। इबादत कर रहे हैं अपनी, जैसे इंसान सुबह में उठ के इबादत करते हैं वैसे ही अपनी परिंदे भी इबादत कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सी सुबह, काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद ना मैंने ऐसी सुबह देखी है। यानी कितनी सुबह उठे हैं? वही समझ गए ना, इतनी सुबह उठे नहीं तो हम लोग, मैं उठता ही 7 बजे से पहले तो मैं उठता ही नहीं हूँ भाई। अपनी ड्यूटी के टाइम पे उठता हूँ और तैयार होता हूँ और निकल जाता हूँ। शुक्र है खुदावन का कि उसने एक नया दिन बख्शा। नाश्ता मैंने बनाना होता है, सारा को मैंने तैयार करना, इसको सिर्फ इनको सिर्फ उठाती है, ब्रश करते हैं, अपना दुआ करते हैं, नाश्ता करते हैं। चलो बस क्या कर रहे हैं, दिन रात जागने वालों के लिए इतना भी बहुत है भाई, क्या कर रहे हैं। मैं गिला नहीं कर रही, वैसे एक बात बता रही हूँ। चलो सही है, जल्दी ले आओ, भूख बहुत ज्यादा लगी है। अल्लाह की बल्दी, जल्दी कर ले। गैस भी थोड़ा कम, मैंने इसलिए टाइम लग रहा है वरना। गैस हमारे ने भी बस ना आसरा ही बनाया है, अल्लाह ही खैर करे। ये देखिए जी, नाश्ता बन चुका है, शिरोज साहब करेंगे अभी नाश्ता। उनको बहुत लगी हुई है, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, बर्दाश्त से बाहर है खाना। और सारा को देखिए अभी भी अपर पहन के बैठी हुई, अभी तो इतनी सर्दी आई नहीं, और सारा का हाल देखे जरा। और ये जी मैंने सालन बनाया था रात को, शलजम और चिकन। चलें करें नाश्ता। तो खाया भी नहीं है। क्या करते हैं आप? टेस्ट करता हूँ। चलें टेस्ट करके बताएं कैसा बना। मजे का, स्पाइसी बना। थैंक यू। ये शलजम मैंने इसलिए थोड़ा स्पाइसी बनाया कि कहीं मीठा ना बन जाए। मजे का बना साहब। आप भी करो नाश्ता बेटे, आप क्यों वेट कर रहे हो? मजे का बना। चले जी, थैंक यू। मुझे भी चेक करने दो। अच्छा जी, आप भी करो। मजे का। ओके चल। बेल्टर तो बना। चले जी शिरोज साहब। इसी के साथ हमें दें जी इजाज़त, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। सारा शिरोज व्लॉग को करना है ढेर सारा अपने सपोर्ट।